बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदन हो श्री निजानंद स्वामी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी। प्रेम मूर्ति ज्ञानी ध्यानी, प्रेम मूर्ति ज्ञानी ध्यानी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी। तारतम्य के ज्ञान प्रदाता, ब्रह्म सृष्टि के मुक्तिदाता, ब्रह्म सृष्टि के मुक्तिदाता, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी। प्रेम लक्षण भक्ति प्रकाशक, पूर्ण ब्रह्म के आप उपासक, पूर्ण ब्रह्म के आप उपासक, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी। प्रेम मूर्ति ज्ञानी ध्यानी, प्रेम मूर्ति ज्ञानी ध्यानी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी। ब्रह्म धाम का मार्ग दिखाया, कृष्ण प्रणामी धर्म चलाया, कृष्ण प्रणामी धर्म चलाया, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी। प्रेम मूर्ति ज्ञानी ध्यानी, प्रेम मूर्ति ज्ञानी ध्यानी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी। प्राणनाथ के आप हो प्यारे, नाम आपका भव जलतारे, नाम आपका भव जलतारे, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी। प्रेम मूर्ति ज्ञानी ध्यानी, प्रेम मूर्ति ज्ञानी ध्यानी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी, वंदन हो श्री निजानंद स्वामी। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सभी धर्म प्राण सुंदर साजी को रचिता सखी का कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्यारी सुंदर साजी, जिस वाणी यानी किरंतन ग्रंथ के प्रकरण की चर्चा हम आप श्रवण कर रहे हैं, उसके अंतिम सार गर्भित कुछ चौपाइयों के अंदर महामति श्री प्राणनाथ जी इस कलिकाल के दमन के विषय की बात करते हैं। यह माया जो अविद्या रूपी है, किस तरह से परम धाम के तारतम्य ज्ञान ने आकर परम धाम से श्री निजानंद स्वामी श्री सतगुरु स्वरूप और महामति श्री प्राणनाथ जी ने आकर के इस कलयुग का दमन किया और अपने 12 हाथ लंबी तलवार के माध्यम से कैसे इस कलयुग को यहाँ विनाश करते हैं, खत्म करते हैं, इस विषय में सार गर्भित चौपाइयों के माध्यम से श्री प्राणनाथ जी चर्चा करते हैं। तो आइए आज के इस वाणी सत्र की ओर हम आगे बढ़ चले और अक्षरातीत धाम धनी के श्री चरणों में वंदना करें। प्रथम लागू चरण को धनी न छुड़ाइयो क्षिणा, लाक तली लाल मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो पलना वालू निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवना, मेरे जीव के एही जीवना। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परम वंदनीय ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरणारविंद में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम करते हुए, समस्त सुंदर साज जी को प्रेम प्रणाम करते हुए आज के सत्र का हम शुभारंभ करते हैं। चलता पुर लिए दो किनारे, डर डरता बुद्ध जी का, मद चढ़ो करी एकल छत्री, ले बैठा सिर टीका, ले बैठा सिर टीका। बुद्ध जी धनी हुकुम माहे, फिरस्ता असराफील। सुंदर सार जी, यहाँ पर इस संसार के बीच चतुर्युगी चलते ही रहते हैं और हर युग के परिवर्तन होने में एक महायुद्ध भी अवश्य होता है। जब कलयुग से पुनः सत्ययुग का प्रारंभ होने जाता है तब एक भीषण संग्राम होता है और उसी के बीच बुद्ध और कल्कि अवतारों का प्रादुर्भाव होता है। जो बुद्ध अवतार हैं, वे हर चतुर्युगी के अंदर युग परिवर्तन करने के लिए आते हैं और लोगों को बुद्धि प्रदान करते हैं। जो कल्कि अवतार हैं, वे आ करके यहाँ पर जो अधर्म है उसका विनाश करते हुए धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार से यह क्रम तो हर चतुर्युगी में चलता ही आया है, परंतु इस बार ये 28वां कलयुग है जिसकी जो महिमा कही गई है वो तो अपरंपार है।
कलीर धन्या कलीर धन्या कलीर धन्या मुनीश्वरः। हे मनुष्य आत्माओं, इस 28वें कलयुग को बहुत ही धन्यवाद दिए गए हैं, और वो इसी कारण से है क्योंकि इसी 28वें कलयुग के अंदर ब्रह्म धाम से ब्रह्म लीला करने के लिए यहाँ पर स्वयं उन पूर्ण ब्रह्म का आगमन हुआ है। इसी कारण से कई शास्त्रकारों ने पहले ही अपने शास्त्रों के अंदर आगम वाणी लिखते हुए जो पूर्ण ब्रह्म है उनके आगमन के विषय की बातों को प्रकाशित किया है, अपने अपनी भाषाओं के अंदर स्व ग्रंथों के अंदर उन्होंने बताया। इसी संदर्भ में यही वह समय था जब महामती श्री प्राणनाथ जी हरिद्वार के कुंभ मेले में जाते हैं और वहां जाकर के सत्य धर्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान को वहां पर जाहिर करते हैं। इस तरह समग्र हिंदू संप्रदाय के बीच महामती श्री प्राणनाथ जी ने श्री कृष्ण प्रणामी धर्म श्री निजानंद संप्रदाय इसका झंडा गाड़ा। परंतु ये सारी लीला करते हुए स्वामी श्री लाला श्री महाराज वितक ग्रंथ में वर्णन करते हैं, विक्रमादित्य के राज से बरस 1735 तब जिद हुई फिर कंसो बुद्ध ईश्वरों का ईस। विक्रम संवत 1735 के साल में हरिद्वार के कुंभ मेले में सारे जो हिंदू संप्रदाय के पंथ पैड़े थे उनके साथ में शास्त्रार्थ रूपी जिद करते हुए परम धाम के सुमार्ग को जाहिर किया। किसने किया? बुद्ध ईश्वरों का ईश्वर। इस संसार की जो निर्माण की प्रतिक्रिया है वो ईश्वर के माध्यम से होती है, किंतु स्वामी श्री लाला श्री महाराज यहाँ पर वर्णन करते हैं कि यहाँ जो स्वरूप का प्रादुर्भाव हुआ है श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से, वे कोई अन्य नहीं है ईश्वरों के ईस, जिनको बुद्ध अवतार भी कहा है। यहाँ ईश्वर यानी कि आदि नारायण को कहा गया और उनके भी ईस यानी के इष्ट रूप जिनसे ये आदि नारायण भी उत्पन्न होते हैं, प्रकट होकर के इस खेल को बनाते हैं। ऐसे ईश्वरों के इस स्वरूप अक्षर ब्रह्म को कहा, और यही अक्षर ब्रह्म की जो बुद्धि जागृत की गई थी रास लीला के अंदर, तो वृंदावन के रास मंडल में जब उनको जागृत किया गया तब से लेकर के यही अक्षर भगवान की जागृत बुद्धि इंतजार करती है धनी के आज्ञा तले रह करके, कब धनी की मुझको आज्ञा होगी और कब मैं खेल के बीच में जा करके धनी की आज्ञा का पालन करूं। इसी संदर्भ में श्री प्राणनाथ जी वाणी के अंदर में यह भी फरमाते हैं, धनी जी ध्यान तुम्हारे, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे, बैठे बुद्ध जी वरस सहस्त्र चार, 660 बीता समय दुनिया को भयो आचार। आचार याने आचार्य, इस दुनिया को धर्म का सही धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए आचार्य के रूप में इस बुद्ध अवतार का प्रकटीकरण श्री सतगुरु और श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से हुआ। दुनिया जानती है कि ये जो बुद्ध कल के अवतार हैं वे वैकुंठ से आते हैं, लेकिन ब्रह्म लीला ढापी हती अवतारों दरमियान, सो फेर आए अपनी प्रकट करी पहचान। इसी ब्रह्म लीला को जो अवतारी पुरुषों की लीला के बीच में ढकी हुई थी, मिली हुई थी, उसको अलग करके तारतम्य ज्ञान के माध्यम से महामती श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर प्रकाशित करते हैं। इसी संदर्भ की चौपाइयां आज की मजल में हम आप श्रवण कर रहे हैं। तो साथ जी, जब रासलीला खेलने के पश्चात 4660 वर्ष इतना समय जब व्यतीत हुआ, तत्पश्चात बुद्ध जी धनी हुक्म माहे
यही बुद्ध जी जो अक्षर की जागृत बुद्धि कही गई है, वही धनी जी के हुकुम के तले खड़े रह करके धनी की आज्ञा को स्वीकार करती है और इस खेल के अंदर उसका प्रादुर्भाव होता है। फिरस्ता असराफील, क्योंकि श्री प्रेरणा जी तारतम के द्वारा वेद कतेब दोनों ही पक्ष का कंपेरेटिव स्टडी करके हमें बात बताते हैं, इसीलिए धनी श्री प्रेरणा जी कहते हैं कि इसी बुद्ध अवतार को, ये बुद्ध जी को और कुरान की भाषा के अंदर में असराफील नाम का फिरस्ता कहा गया है, जो अक्षर धाम से ताल्लुक रखता है। वही असराफील रूपी फरिश्ता यहाँ पर इस संसार के बीच में प्रकट हुआ, तिन कान दिए सुनने आज्ञा को, और यह बुद्ध जी इसी असराफील रूपी फिरिश्ते ने अपने कान दे दिए, अर्थात when they listen to somebody very attentively, तो हम कान दे करके दिल लगा करके उनको सुनते हैं। इसी तरह से यह अक्षर भगवान की जागृत बुद्धि जो यहाँ धनी के हुकुम के द्वारा प्रकट हुई, उसने धनी की आज्ञा का पालन किया है, अब हुकुम को ना ही ढील। जब यह जागृत बुद्धि सर्वप्रथम श्री सदगुरु स्वरूप के माध्यम से उतरी, फिर वहां से धनी श्री देवचंद्र जी ने जब तन परित्याग किया, तब महामती श्री प्राणनाथ जी के अंदर यह शक्ति विराजमान हुई, वहीं से अब वो सारा कार्य करती जा रही है। तो यहां धनी कहते हैं कि अब हुकुम को ना ही ढील, जो मेरे धनी ने उस बुद्धि के ऊपर हुकुम किया है, उस हुकुम करने में अब कोई ढील कोई भी देरी नहीं होगी। जो आज्ञा उस बुद्धि के ऊपर की गई है, वही आज्ञा का वह बुद्धि अवश्य पालन करेगी। पहुंची पुकार सुनी धनी श्रवणों, हे सात जी, जब कलिकाल ने इतना अत्याचार मचाया, मध्य कलयुग का समय था, जब श्री प्राणनाथ जी वे सारी लीलाओं को यहाँ पर अपनी नजरों से देख रहे थे, और जब धनी ने देखा कि यह माया रूपी कलिजुग मेरे सुंदर साथ को परेशान कर रहा है, मेरे सुंदर साथ की परीक्षा ले रहा है, तो कलयुग के बढ़ते हुए अत्याचार का दमन करने के लिए स्वयं श्री प्राणनाथ जी ने ही पुकार करी। यही पुकार सुनी धनी श्रवणों, श्रवणों के माध्यम से मूल मिलावा में विराजमान श्री राजी महाराज ने इसे श्रवण किया। कही कुली की सबगम, कुली यानी कि जो काला कलयुग है, जिसके इतने अनंत विकार हैं, उसकी गम, उसकी जो चाल चलन या गतिविधि है, उसके विषय की जो बातें हैं, वह सारी श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से मूल मिलावा के धनी को पता चली। ऐसा तो है नहीं कि धनी से कोई भी बात छिपी हुई है, परंतु यहाँ प्रत्यक्ष में खेल के अंदर जब उदयपुर के सुंदर सात के ऊपर बहुत ही अत्याचार मचाया पातशाह के लश्कर ने, और उन सुंदर सात ने खबर श्री प्राणनाथ जी को भेजी, कृपा राम भाई जब लेकर के आए, तब इस कलिजुग के विषय में दिल से एक आह निकल जाती है, और इसी की पुकार श्री इंद्रावती सखी के द्वारा धनी श्री राज जी को पहुंचती है। तो इस प्रकार कलयुग कैसे किस तरह से अत्याचार मचा रहा है, इस बात की जो गम है, खबर है, वो सब धनी श्री राज जी को प्राप्त जब हुई। कल्पे जुत्थ जान ब्रह्म सृष्टि के, और जब यहां से श्री प्राणनाथ जी ने धनी श्री राज जी को यहाँ की सारी आपा बीती बताई, क्यों बतानी पड़ी, क्योंकि खेल के अंदर श्री राज जी की समग्र शक्ति श्री प्राणनाथ जी के हृदय में विराजमान है, वे ही हक स्वरूप है, वे ही श्री राज जी अवतार है, और इसीलिए यहाँ घटित जो कोई भी बात है, वो श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से मूल मिलावा के श्री राज जी को जब पहुंची, तब
धनी ने देखा कि मेरे ब्रह्म आत्माओं के जुत्थ कलप रहे हैं, तड़प रहे हैं। कलिजुग के अत्याचार के कारण उन्होंने अपने घर बार परिवार सबको परित्याग करके गुफा कंदिराओं के अंदर कंदमूल खा करके समय को गुजार रहे हैं। अत्यंत अत्याचार, दुराचार, ये सब बढ़ जाने के कारण ही मेरी ब्रह्म आत्माओं ने इस कलिजुग के दमन करने के विषय की पुकार मुझको की है। जब इस बात की खबर श्री राजी महाराज को पहुंची, मिले धनी श्री प्रेरणा जी कहते हैं बहुत ही सार गर्भित बात कि ब्रह्म सृष्टियों ने जो पुकार करी, कृपाराम भाई ले गए श्री प्रेरणा जी के पास, श्री इंद्रावती सखी जो यहाँ धनी के सामने पुकार करती हैं, जिसके द्वारा अब क्या हुआ खेल के बीच में, बहुत ही सुंदरता से एक ही चरण में वर्णन कर दिया, मिले नूर बुद्ध हुकुम। धनी जी का नूर शक्ति, श्री राजी महाराज की शक्ति एवं बुद्ध याने जो जागृत बुद्धि को कहा गया, अश्राफिल फिरस्ते को कहा गया, हुकुम याने धनी जी की आज्ञा, बिना आज्ञा के कुछ भी मिल नहीं सकता, जो है वह भी नहीं मिलेगा। अगर हम आमने सामने बैठे हुए हैं फिर भी एक दूसरे के ऊपर नजर मिलने के लिए भी धनी का हुकुम रूपी आश्रय चाहिए, सूखे पत्ते को गिरने के लिए भी हुकुम चाहिए। तो यहाँ धनी की शक्ति और यह जो बुद्ध है, जागृत बुद्धि एवं धनी जी का हुकुम, जब तीनों का संयोग हुआ, मिले नूर बुद्ध हुकुम, तो इसके द्वारा यहाँ पर श्री राजी की कृपा से इन बुद्ध जी के द्वारा जो ज्ञान का अवतरण हुआ है, उसी ने 12 हाथ लंबी तलवार का काम किया और इस कलिजुग का दमन करने वाले ऐसे तारतम्य ज्ञान को यहाँ प्रकट किया, जिस तारतम ज्ञान की इंतजारी में सारी सृष्टि के आगम भाखने वाले शास्त्रकार बैठे हुए थे। इसीलिए धनी कहते हैं कि आए आगम वाणी इत्त मिली, विश्व मुख करत बखान, कौल सबन के पूर्ण भय, आए सो पहुंचे निशान। जिन जिन्होंने जो जो भविष्यवाणियां कही थी, आगम बताया हुआ था, वो सारा भविष्य का हुआ यहाँ पर बिल्कुल सिद्ध हुआ, मिल गया, सच साबित हुआ। क्योंकि यह जो सारा विश्व जिस ब्रह्म ज्ञान के जाहिर होने की प्रतीक्षा में था, उन बुद्ध अवतार के आने की प्रतीक्षा में था, और जिसके कारण कलयुग का दमन होगा इसकी प्रतीक्षा में था, वह समय आ पहुंचा। और इसी के कारण से श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से ही यह जो तारतम ज्ञान रूपी ब्रह्मवाणी है, ये ब्रह्मवाणी इस तरह से संसार के बीच में प्रकट हुई कि जिस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा सब कोई जो भी इस संसार के अंदर है वो लाभ लेकर के अखंड की मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके विषय में और संक्षिप्त के अंदर श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर समझाते हुए कहते हैं कि उड़ाए अंधेर किया मिलावा। जब अंधकार होता है तो प्रकाश नहीं, किंतु जैसे ही प्रकाश हो जाए तो अंधकार छुमंतर हो जाता है, उसे भगाने हटाने दूर करने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। इसी प्रकार से जब बुद्ध जी का ज्ञान यहाँ प्रकट हुआ, निष्कलंक बुद्ध अवतार स्वरूप श्री प्राणनाथ जी जब यहाँ जाहिर हुए, तो सर्वप्रथम कौन उनसे मिले, सैया सबे सिनगार साजती, मिने सुरत पिया जी की विराजती। जो धाम की सैयनों को पता चला कि हमारे धाम का अखंड ज्ञान धनी श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से प्रकट हुआ है, तो तुरंत धाम की सैयन धनी श्री राजी महाराज के दीदार को दौड़ी और उनके चरणों में शरणापन्न हो गई।
तो इस प्रकार से जब धनी ने ज्ञान को जाहिर किया हरिद्वार प्रसंग के अंदर, तो अंधकार छुमंतर हुआ, सत ज्ञान यह सृष्टि के अंदर उदय हो गया। तो उड़ाए अंधेर किया मिलावा, किसका मिलावा किया, तो यहाँ पर जो धाम के सयन हैं, साथी हैं, ये सब अलग अलग स्थानों में विचरे हुए फैले हुए हैं। इन सब को लेकर के जैसा श्री सतगुरु स्वरूप ने निर्देश किया था कि जागनी रास लीला का मिलावा करना, इसी प्रकार से निष्कलंक बुद्ध अवतार महामति श्री प्रेरणा जी स्वरूप ने यहाँ सब सयनों का मिलावा किया। इस ज्ञान के तले जो कोई भी आते हैं, वो इस मिलावे में शामिल हो जाते हैं। प्रकाश कियो सब अंग, जो जो इस ज्ञान के तले आए हैं, उन सभी के सर्वा अंग को प्रकाशित करने की क्षमता इसी तारतम ज्ञान में है। परंतु हे सात जी, अगर हमारे पास लाइट हो और इलेक्ट्रिसिटी पावर भी हो, ट्यूबलाइट भी है हमारे पास, स्विच भी नजर आ रही है, लेकिन जब तक हम अपने हाथ से उसे स्विच ऑन नहीं करते हैं, तो वो लाइट का प्रकाश होगा कैसे? और जब तक हमने अपने कर्मों के द्वारा उस अंधकार को दूर करने का उपाय ही नहीं किया, तो ये अंधकार दूर कैसे होगा? अन्यथा जो कोई भी इस तारतम ज्ञान के तले आते हैं, उनके सर्वांग में इस ज्ञान का नूर रोशनी भरने का उपाय धनी ने कर दिया है। इसीलिए कहा है, सत चाहो तो शब्द चिन्हो, वो आप न देवे देखाई, जिन पाया तिन माहे समाया, राखत जोर छिपाई। इस ब्रह्मवाणी के अंदर यह क्षमता है कि वह सारे 14 लोक तो क्या, नारायणी सृष्टि तो क्या, लोक परलोक को अपने प्रकाश के द्वारा दिखा देता है, किंतु हमें इस ब्रह्मवाणी के तले तो आना ही पड़ेगा। ब्रह्मवाणी के तले आकर के इसके संदेशों को, इसकी वाणी को तो समझना ही पड़ेगा, और तब जा करके सर्वा अंग में उजाला फैलाएगी यह मेरे धनी की ब्रह्मवाणी। तो ऐसा प्रकाश इस ब्रह्मवाणी के अंदर में है। सुंदर सा जी, काढ़ो मोह अहंकार मूल थे, इस संसार का जो मूल कहा गया वह मोह एवं अहंकार से बना हुआ है। सारी सृष्टि के अंदर में देखते हैं तो एक दूसरे के प्रति मोह और आसक्ति की भावना है। हम जिसको प्रेम प्रेम कह करके संज्ञा देते हैं, किंतु ये विशुद्ध प्रेम नहीं है, हमने उसको लेबल दे रखा है प्रेम, परंतु यह हमारी ही आसक्ति है कि हम इस मोह के बंधन में पड़ते हैं। सृष्टि का मूल ही इस मोह से शुरू हुआ है। एवं अहंकार जिसको कहा गया, एक बार सृष्टि की रचना तो हो गई, परंतु जब तक उसके अंदर जो जीव निर्माण हुए, उनको मैं और मेरा इस बंधन में इस माया ने जब तक नहीं बांधा, तब तक संसार और माया कैसे चलेंगे? इन शॉर्ट, ये मोह और अहंकार, ये दोनों ही माया के लश्कर के हैं, सैनिक रूप हैं, और वे ही यहाँ के समग्र जीवों को अपना बनाए रखते हैं। जब तक कोई भी मोहात्मक बंधन में है, अथवा जब तक वह अहंकार अपने अंदर है, तो क्या ब्रह्म धाम में जाने का मार्ग हमारे लिए खुलस्त हो पाएगा? हमारे धनी तारतम्य वाणी के द्वारा इसी बात का निर्देश करते हैं कि हे मेरे प्यारे सुंदर सांझ जी, यही मोह, यही अहंकार सृष्टि का मूल है, और इसी से सारी सृष्टि को बांधा गया है। जो करता सबन सो जंग, यही मोह अहंकार हम आप सभी के अंदर हमारे उस जीवात्मा के साथ में जंग करते हुए हमें सत पथ की ओर जाने ही नहीं देता है, सत मार्ग की ओर लगने ही नहीं देता है।
जब जब हम थोड़ा सा मन बनाते हैं कि कुछ सत्संग सुने, कुछ बातें सुने, तो मन कहता है अरे छोड़ना ये सब, क्यों सुनना, क्यों समझना, क्या मिलेगा। कहां तक हमारा मन लग पाता है। मानिए बैठ भी गए, लेकिन उसके पश्चात भी कितने बातों को हम हृदय में उतार पाते हैं, आत्मसात कर पाते हैं। तो इस तरह ये क्यों होता है, क्योंकि जब तक वह मूल मोह और अहंकार हमारे भीतर में जागृत है, जीवित है, तब तक हे सुंदर साजी इस माया से हम मुक्त हो नहीं पाते। इसी मोह अहंकार को निर्मूल करने के लिए हमारे धाम धनी अक्षरादित श्री प्राणनाथ जी यहाँ पर मोह और अहम को निर्मूल करने वाले तारतम ज्ञान को प्रदान करते हैं। उदयो अखंड सूर निजवतनी, माया का एक ही मात्र उपाय है, जैसे अंधकार का दूसरा उपाय नहीं है, उजाला ही उसका उपाय है। लाखों उपाय कर लीजिए पर अंधकार को दूर नहीं कर पाओगे, लाखों उपाय कर लो पर अज्ञान को दूर तब तक नहीं कर पाओगे जब तक ज्ञान हासिल नहीं करते। अन्य कई साधनाएं करते रह जाओगे, परंतु ज्ञान ही अज्ञान को दूर कर सकता है। इसीलिए धनी कहते हैं कि उदयो अखंड सूर्य, सूर्य यानी कि सूर्य है, अखंड भूमिका का सूर्य रूप ज्ञान, तारतम्य ज्ञान है जो यहाँ धनी श्री प्राणनाथ जी के माध्यम से उदय हुआ। निज वतन का यह सूर्य है, धनी ने भेजा हुआ तारतम ज्ञान है कि जिसके द्वारा यहाँ पर आए हुए सात ब्रह्म आत्माओं के अंदर का यह मूल मोह अहंकार नाश कर दिया जा सके। भय ज्योत कोटान कोट, संसार के दृष्टिकोण से देखिए आप तो सूर्य के समान तेजस्वी कोई अन्य नहीं है। जिन जिन में प्रकाश झलकता है वो सब सूर्य का प्रकाश ही तो होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रकाश और मशाल रूपी प्रकाश कहें तो वह सूर्य में होता है। इसीलिए धनी यहाँ पर परम धाम से लाए हुए तारतम्य ज्ञान की तुलना सूर्य से करते हैं। किंतु हे साथ जी, जाहिर ही सूर्य का प्रकाश तो मृत्यु लोक तक के अंदर पहुंचता नहीं है। सारे मृत्यु लोक को इस सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, किंतु तारतम्य ज्ञान की जो ज्योत है वह तो न केवल मृत्यु लोक, न केवल चौदह लोक ब्रह्मांड नारायणी सृष्टि, बल्कि लोक परलोक को उजागर कर देने वाली है। और इसी कारण से कहा गया कि हे साथ जी, जिस प्रकार एक सूर्य का उदय होने से सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है, इसी तरह कई अनंत कई करोड़ों सूर्यों का जब उदय हो जाए तो कितना प्रकाश होगा। वही प्रकाश यहाँ तारतम्य ज्ञान के प्रकट होने पर हुआ है। कोटान कोट सूर्य के समान जो ज्योत है वह इस संसार के बीच में प्रकट हुई है। हे साथ जी, इस तारतम्य ज्ञान की ज्योत को सर्वप्रथम जिन्होंने अनुभव किया वो तो धाम की सैया है। धीरे धीरे इस तारतम का जो प्रकाश है वो फैलता जा रहा है और समग्र चौदह लोक ब्रह्मांड के अंदर यह फैलेगा। कहे महामत रात टली सबन की, इसीलिए तो महामती श्री प्राणा जी फरमाते हैं कि जो अंधकार रूपी रात्रि इस माया के ब्रह्मांड में व्यापक थी वह अब नहीं रही, टल गई, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या का पदार्पण इस 28वें कलयुग के बीच में हो चुका है। कलिकाल तो चल रहा है, परंतु यहाँ की रामत ही कुछ इस प्रकार की है कि इस कलियुग के चलते चलते जो कोई श्री कृष्ण नाम को अपना करके श्री कृष्ण की भक्ति को करते हुए अपने इस भव को सुधार सकता है वही इस भव से तर जाएंगे, इस संसार से पार हो जाएंगे। यही इस कलियुग की विशेषता है।
परंतु कलयुग का दमन इस प्रकार से किया गया कि इसके विकारों का सामना करने के लिए, माया का सामना करने के लिए ब्रह्म धाम से ब्रह्म वाणी ब्रह्म विद्या यहां संसार में प्रकट हुई है। आए सब धनी की ओट, यहां पर सब कोई संसार के बीच में धनी जी की ओट यानी के चरण की शरण में आने लगे। जैसे जैसे ये ब्रह्म ज्ञान यहाँ पर जाहिर होता जा रहा है, वैसे वैसे सृष्टि की अनंत आत्माएं अब इस ज्ञान के तले आती जा रही हैं, अपने अपने एवोल्यूशनरी जर्नी के अनुसार। कब कौन कहाँ जागेंगे कोई कह नहीं सकता है, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी जर्नी में चल रहा है, स्पिरिचुअल जर्नी में। आज नहीं तो कल जब जिसका समय आ पहुंचेगा, वे इस ज्ञान की छत्र छाया में आकर अखंड मुक्ति को अवश्य प्राप्त करेंगे। लेकिन मूल रूप से जब इस ज्ञान का प्राकट्य हुआ तो इस ज्ञान के तले वही आ सकते हैं, जाके धनी ये पकड़े हाथ, जिनमें प्यास है, those who are the yearning souls, उनके बिना कोई इस ज्ञान इस सत पंथ पे कदम नहीं रख पाएंगे। सर्वप्रथम जागनी ब्रह्म सृष्टियों की कही है, एवं उसी के पश्चात जैसे जैसे यह ज्ञान का फैलाव होगा, वैसे वैसे पसरसी चौदे भवन श्री सतगुरु स्वरूप ने कहा है। हे सुंदर साज जी, धनी जी की मेहर तो है, अब इस मेहर के तले हम कैसे आते हैं, कैसे आत्म उद्धार करते हैं, यही इस खेल की विशेषता है। धनी तो मोह बंधन को छुड़ाने, अहंकार को छुड़ाने का सच्चा ज्ञान ले आए, परोस भी रहे हैं, परंतु कौन है ऐसी सत आत्माएं जो ऐसे ज्ञान को ग्रहण करने के लिए कमर बांधेंगे। वे आगे आए महामति श्री प्रेरणा जी के इस ज्ञान को ग्रहण करें, और ऐसे कलिकाल के बीच में हम अपनी आत्म का उद्धार करें, धनी नाम के द्वारा, श्री कृष्ण नाम के द्वारा, श्री राज श्यामा के नाम के जप के द्वारा हम अपने जीवन का परिवर्तन करें, और परलोक के उस जीवन में कैसे प्रवेश होना, कैसे इस जीवन को धन्य धन्य करना, यही सारी बातें महामति श्री प्राणा जी इस वाणी के द्वारा हमें समझाते हैं। तो हे सुंदर साज जी, माया कलिजुग का दमन कैसे धनी ने किया, बुद्ध जी के इस अवतार धारण करने के पीछे का क्या उद्देश्य है, श्री प्राणा जी के भीतर में होकर के इस बुद्ध अवतार ने यह कार्य कर दिया। इसीलिए धनी श्री प्रेरणा जी को निष्कलंक बुद्ध अवतार कहा गया है। यही सारी बातों का खुलासा हमारे लिए धनी ने इस वाणी के बीच में किया। तो प्यारे सुंदर सांझ जी, इस वाणी के मार्मिक संदेश को हम ग्रहण करते हैं, कैसे जीवन को परिवर्तित करना, कलयुग का महत्व समझ करके, उसके विकारों को भी समझ करके कैसे वाणी के मार्ग के ऊपर चलना, श्री प्रेरणा जी के ज्ञान को हृदय में कैसे उतारना, यही सदविचार, यही सुंदर संदेशों को हम लेते हैं और आज के वाणी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। उदयो अखंड सूर्य निज वतनी, भई ज्योत कोटाल कोटा, कहे महामत रात टली सबन की, आए सब धनी की ओटा, आए सब धनी की ओटा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।